बसमिलीम नहमदनसल्ला रसोल करीम अम्माबाद महतरम नाजरीन कराम आज मैं एक बहुत ही मुजरब अमल आप हजरात को बतलाने जा रहा हूँ जिसकी इस वक्त हम सब को ज़रूरत है क्योंकि आज आम तौर पर देखा जाता है कि जब भी कोई औरत हामला होती है प्रेगनेंट होती है तो विलादत के वक्त में उसके लिए एक सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि आजकल ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही ना के बराबर हो रही है ज़्यादातर बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं और हर औरत की यह ख्वाहिश होती है हर औरत की यह तमन्ना होती है कि हमारी बहू के या हमारे जो बच्चा हो वो नॉर्मल हो ऑपरेशन से अल्लाह ताला हम सबको बचा ले हर इंसान ये चाहता है लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान को मजबूरी में आकर के ऑपरेशन कराना पड़ता है लेकिन मैं एक अमल आपको इससे बताने जा रहा हूँ जो मेरा ख़ुद का अपना तजर्बे अमल है जो अपना आजमूदा है इनशल इस अमल की बरकत से बच्चा नॉर्मल होगा अल्लाह ताला की दादाज से उम्मीद है क्योंकि अल्लाह ताली ही के ऊपर अगर यकीन रख के हम करेंगे तो इन शाला इसकी बरकत से ऑपरेशन से अल्लाह तब को महफूज फरमा लेगा चुनाच वमल ये है कि जब किसी औरत की प्रेगनेंसी का मामला हो और उसकी विलादत का वक्त करीब आ जाए यानी उसके दर्द वग़ैरह दर्द से उठना शुरू हो जाए और बिल्कुल वक्त पूरा हो जाए एन जो वक्त विरादत का वक्त हो बिल्कुल करीब वक्त हो जिस वक्त में दर्द उठ रहा हो और परेशानी हो रही हो तो उस वक्त में कोई मीठी चीज़ के ऊपर आप सुर इनशाक़ की ये पांच आयतें पढ़ लें इजसमुआनशक्क़त वज़ीनतब ब्याा वक्त वीदल मुद्दत वालकत माफ़िया व तखलत व आजीनत लगब बिहा बत चुनाच ये पांच आयतें हैं इन पांचों आयतों को किसी मीठी चीज़ के ऊपर हमको पढ़ कर के दम कर देना है मसलन गुड़ ले लिया जाए या कोई भी मीठी चीज़ हो उसके ऊपर ये पाँच आयतें पढ़ कर दम कर दिया जाए दम करने के बाद हमला औरत को करीब विलादत यानी विलादत के करीब उस औरत को ये मीठी चीज़ जिसके ऊपर हमने पांच आयतें दम की हैं उसको खिला दे तो इन इससे बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होगी ऑपरेशन से अल्लाह तबारक वाली महफूज फ़रमा लेगा और ये हमारा कैसा आजमदमल है इसको भी मैं आप हजरात के सामने शेयर करता हूँ कि हमारी जो भाभी हैं उनकी जब विलादत का वक्त करीब हुआ तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी इससे पहले जो उनका मामला था पहले जो लड़की हुई थी वो ऑपरेशन से हुई थी तो तमाम के तमाम लोग कह रहे थे कि आप इनको जो है ऑपरेशन ही कराएं क्योंकि पहला ऑपरेशन होया हुआ है तो जो दाई थी उन्होंने भी कहा कि इनको हॉस्पिटल ले जाते हैं दाई ने हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में देखा तो वहाँ पर हमारी भाभी का जो बीपी था वो बहुत ज़्यादा हाई था बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था पहले डिलीवरी के अंदर भी और पहली विलादत के अंदर भी उनका यही मामला था कि बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो चुका था इसी तरह से अब भी ऐसी हुआ कि उनका जो बीपी था बहुत ज़्यादा हाई हो गया अब डॉक्टरों ने जब देखा कि मामला बहुत ज़्यादा आगे हो चुका है तो उन्होंने कहा कि अब इनका ऑपरेशन होना है ये नॉर्मल नहीं हो सकता ऑपरेशन इनका हमको करना पड़ेगा चुनाचे ऑपरेशन थिएटर में ले गए डॉक्टर वगैरह को भी बुला लिया मैंने अपने घर के ऊपर गुड़ के ऊपर ये पांच आए थे पढ़ी पाँच आयतें पढ़ कर के और दम करके मैंने उनको हॉस्पिटल में भिजवा दिया और हमारी वालदा भी दुआ कर रही थी सबसे बड़ा इसमें दुआ भी होती है अल्लाह ताला से हम मांगे तो अल्लाह ताला ज़रूर किसी ना किसी को सुनता है सच्चे दिल से आप अल्लाह के ऊपर यकीन रख के आप मांगिए अल्लाह ज़रूर कबूल करता है चुनाचे ये गुड़ पढ़ करके उनको खिला दिया ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो हमारी जान पहचान की दाई थी वो अंदर गई उन्होंने कहा कि एक बार मुझे कोशिश करने दीजिए चुनाच ऑपरेशन थिएटर के अंदर उन्होंने कोशिश की अल्लाह तबारक व ताली ने ऑपरेशन से बचा कर नॉर्मल ही उनको बेटा आता फरमा दिया तो ये हमारा अपना आजमुदा अमल है कि अल्लाह ने बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर के अंदर दाई के कोशिश करने की वजह से अल्लाह तबारक वाली के हुक्म की वजह से ये इस अमल के ज़रिए से अल्लाह ताली ने ऑपरेशन से बचा लिया और नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो ये बहुत ही मुजरब अमल है आप करीब विलादत के करीब में किसी भी औरत को जो हामला हो ये इनशाला किसी मीठी चीज़ के ऊपर पढ़ के आप खिला दीजिए इनशाला तम ऑपरेशन से हम सबको महफूज फरमा लेगा फ़कत वल्ल्म